काल चल रहा है। सुखद पहलू की बात यह है कि कोरोना का ग्राफ अब कम होने लगा है, लेकिन अब इस बीमारी के साथ एक अन्य बीमारी ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। जी हाँ, इस बीमारी को ब्लैक फंगस कहा जाता है। हैरानीजनक की बात यह है कि बीमारी उन लोगों को अपनी चपेट में ले रही है जो कि कोरोना को मात दे चुके हैं। यदि प्रदेश की बात की जाए तो इस समय 50 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, जबकि करनाल में इस बीमारी के 2 सस्पेक्टेड केस मिल चुके हैं, जिनका अब मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है। इस बारे में सिविल सर्जन डॉक्टर योगेश शर्मा का कहना है कि इस बीमारी को नोटिफाइड डिजीज घोषित कर दिया जाए और यदि निजी अस्पताल में ब्लैक फंगस में संबंधित कोई भी मामला सामने आता है तो इसकी सूचना तुरंत सिविल सर्जन कार्यालय को देनी होगी। उन्होंने जानकारी दी कि करनाल का ग्राफ अब कम हो रहा है, लेकिन लोगों से अपील, वे सेल्फ मेडिसिन से बचे। बीमारी से संबंधित कोई भी लक्षण प्रतीत होता है तो तुरंत उपचार शुरू कर दें, क्योंकि देखने में आ रहा है कि शुरुआती लक्षणों को लोग नजरअंदाज कर सेल्फ मेडिसिन से ही अपना उपचार करने लग जाते हैं, जो कि खतरनाक साबित हो सकता है। जब तक वह डॉक्टर तक नहीं जाते, बीमारी गंभीर हो जाती है और जानलेवा भी हो जाती है। इसलिए सेल्फ मेडिकेशन से बचें तथा शुरुआती लक्षणों से ही डॉक्टर को और उनकी सलाह लें। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और इस समय मौजूद हूं मैं करनाल के सिविल सर्जन कार्यालय में, और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इस समय डॉक्टर योगेश शर्मा। इनसे बात करने से पहले मैं इनको इनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दूंगा पूरे समाचार एक्सप्रेस की टीम के माध्यम से। आज हम बात विशेष तौर पर करने के लिए आए ब्लैक फंगस, जिसने कि अब रौद्र रूप धारण कर लिया। एक तरफ जहां कोरोना महामारी चल रही थी, उसके बाद ब्लैक फंगस ने भी आतंक मचाना शुरू कर दिया। हालांकि सीएम सिटी में कोई ऐसे बड़े मामले सामने नहीं आए, लेकिन बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग ने एहतियातन के तौर पर कई जो है एहतियात बरतने शुरू कर दिए हैं। क्या एहतियात बरते जा रही है और क्या वो सिचुएशन रह जाती है कि जिसमें आदमी को इस चीज का शिकार होना पड़ता है? क्या यह बीमारी है कि जो आदमी को मौत तक ले जाती है, या इसे बचा जा सकता है? इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे हमारे साथ सिविल सर्जन। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है और आपको जन्मदिन की एक बार फिर से शुभकामनाएं। थैंक यू सर। कोरोना का क्या स्टेटस है? वो डे बाय डे हम पर आप बता रहे हैं, हमारे को मीडिया के माध्यम से पता चल जाता है कि डे बाय डे उसके केसेस डिक्रीज सॉरी कम होते जा रहे हैं, जो कि हर किसी का प्रयास है, चाहे वो जनता है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग है, चाहे वो प्रशासन है। लेकिन अब जो हरियाणा में बताया ये जा रहा है कि 50 से अधिक केस ब्लैक फंगस के आ चुके हैं, अल्टीमेटली ब्लैक फंगस है क्या और कि किस तरह से होती है? देखिए, ये सही बात है कि हमारे करनाल में जो है एक कोविड केसेस को लेकर अगर हम बात करें तो उसमें स्टेबिलिटी आई है और कुछ हमें उम्मीद है कि अगले 5-6 दिन के बाद डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो सकता है। लेकिन फिर भी हमें पूरे सतर्क और पूरी ज़्यादा सावधानी हमें अभी भी बरतनी है। जहाँ तक ब्लैक फंगस की बात है, जैसा कि आपको पता है कि ऑल ओवर इंडिया और हरियाणा में भी केसेस बहुत ज़्यादा कोविड के केसेस इस बार इस सेकेंड वेव में आए हैं, और जो इसमें बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशंस भी हुई हैं, और इन सभी केसेस में अग्रेसिव ट्रीटमेंट जो है वो स्टीरॉयड्स के साथ किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो स्टीरॉयड्स की एग्रेसिव ट्रीटमेंट करने के साथ और जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनका जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो काफ़ी लो हो जाता है, तो इम्यूनिटी काफ़ी लो हो जाती है। तो इसके कारण ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हैं, म्यूकोर माइकोसिस, ये पहले भी होती हैं लेकिन पहले बहुत कम देखने में आई हैं, क्योंकि अभी सडनली ये केसेस भी बढ़े हैं तो साथ साथ ब्लैक फंगस के केसेस भी ज़्यादा आने शुरू हैं। हरियाणा गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाइबल डिजीज़ किया कहा है, करा दे दिया है। उसके चलते हुए हमने भी सभी प्राइवेट हॉस्पिटल जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं सबसे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी शुरू कर दी है। अभी तक किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल ने हमें कोई केस नोटिफाई नहीं किया है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज से 2 केसेस नोटिफाई हुए हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि हमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत एक स्लो ग्रोइंग फंगस है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पेशेंट को इसमें से नुकसान भी, अगर हम ट्रीट टाइमली ना इसमें इंटरवीन करें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने की संभावना बनी रहती है।
मैं आपको बता दूं कि ये जो बीमारी है ये ऐसे पेशेंट को होती है जो कोरोना से कोरोना पॉजिटिव होने के बाद रिकवर हो जाते हैं, क्योंकि कोरोना की जो इलाज किया जाता है उसमें मैक्सिमम तौर पर स्टेरॉइड दिया जाता है। स्टेरॉइड से जो डायबिटिक पेशेंट होता है उनका शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिस कारण उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि इन्होंने बताया कि करनाल में इस समय एक मेडिकल कॉलेज में 2 सस्पेक्टेड केस हैं, वो कन्फर्म है, इसकी अभी तक कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं आई है, ना अभी कन्फर्म हो पाए हैं, हालांकि उनका इलाज चल रहा है सर। और दूसरा, इसके अलावा इसको नोटिफाइएबल डिजीज घोषित किया जा चुका है, यानी कि यदि किसी भी निजी अस्पताल में इस तरह के किसी मरीज का कोई पाया जाता है तो उसकी सूचना उनको सिविल सर्जन कार्यालय में देनी होगी, नहीं तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। सर, अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स क्या आ जाते हैं, इसमें सिम्टम्स ये बताए जाते हैं। देखिए, जो स्पेशली जो केसेस ट्रीट होकर घर चले जाते हैं या जो अग्रेसिवली अभी भी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज भी हैं, उन सभी पेशेंट्स को सबसे पहले तो अपने ब्लड शुगर का बहुत पूरा ध्यान रखना है। हॉस्पिटल्स में तो उनका मॉनिटरिंग हो जाती है, लेकिन जब ट्रीट होकर घर चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं उस अग्रेसिवली हम अपना ब्लड शुगर लेवल वो चेक नहीं करते। तो मैं सबसे ये अनुरोध करूंगा कि जो भी हॉस्पिटलाइज रह के पेशेंट घर गए, चाहे वो डायबिटिक हैं चाहे नॉन डायबिटिक हैं, वो लगभग अगले एक महीने तक अपना ब्लड शुगर लेवल को रूटीनली जो है उसको कंट्रोल में रखें और रेगुलरली चेक करते रहें, क्योंकि जो स्टीरॉयड स्पेशली जो ड्रग्स दी जाती हैं और उसके कारण जो नॉन डायबिटिक हैं उनका भी ब्लड शुगर लेवल कहीं बढ़ जाता है, और ये एक ऐसा मीडिया बनता है जिसके कारण कि ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो म्यूकोरमाइकोसिस है, ब्लैक फंगस है, वो ग्रो करती है। जहाँ तक साइंस एंड सिम्टम की बात है, मैं ये भी फिर ये ध्यान में लाना चाहूँगा कि जो भी ऐसे पेशेंट घर पे हैं तो वो इस चीज़ों का ध्यान रखें कि कहीं दांत के ऊपर दांत में ज़्यादा दर्द होना या फेस के ऊपर स्वेलिंग आना, आँख के ऊपर स्वेलिंग आना या आँख से थोड़ा धुंधला दिखाई देना, हेडेक होना, ये सारी चीज़ें जो है म्यूकर माइकोसिस के नेजल डिस्चार्ज होना, और तो ये सारी चीज़ें जो है ये म्यूकर माइकोसिस के अर्ली सिम्टम्स हैं। तो इनमें किसी भी सिम्टम को हमें नज़रअंदाज नहीं करना है, इमीडिएटली नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाकर आपको इसके बारे में अपना चेकअप करवाना है। सर, एक चीज़ अभी आपसे बात हुई थी हमारी, आपने हमें बताया था कि जब भी कोरोना की जैसी बीमारी के अंदर 6 दिन में विशेष तौर पर सावधानी रखनी चाहिए, और नहीं तो मैक्सिमम लोग ये करते हैं कि 6 दिन गुजरने के बाद ही, वो पहले तो 6 दिन तक सेल्फ मेडिकेशन लेते रहते हैं, 6 दिन वो कहते हैं कि हाँ यार मेरे को तकलीफ हो रही है, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन आपका कहना ये है कि 6 दिन में इसका दोबारा से जाँच करवाना या इसको सीरियसली लेना अति आवश्यक है, इसके बारे में क्या कहना? देखो, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। ये इस डिज़ीज़ के बारे में हम बार बार कहते हैं कि हम जितने अर्ली हम अब टेस्ट कराएंगे उतनी अर्ली हम इसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। तो जो हमें इसके बारे में अपना एक इस वायरस का लाइफ साइकिल समझना है, जो फर्स्ट 7 डेज होते हैं उसमें वायरस रेप्लिकेट करता है, मतलब कि तेज़ी से बढ़ता है। तो उसके लिए हमें अपनी इस बीमारी का फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे को आइडेंटिफाई करना और उसके चलते वो 6th-7th डे को आइडेंटिफाई करना सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर हम फर्स्ट डे हम उस चीज़ को मानते हैं कि जब से बॉडी एक्स, हल्का फुल्का बुखार रहना या बॉडी एक्स होनी, हेडेक होना, वो पहला सिम्टम है जब जब ये बीमारी शुरू होती है, ना कि हम ये मानते, कई बार लोग बताते नहीं है तो, और जो 5th-6th दिन जाके टेस्ट कराते हैं, और जबकि उनका एक्चुअल में वो 6th डे होता है जब वो टेस्ट करवाते हैं। तो इमीडिएटली बाद जब 7 दिन के बाद एक पल्मोनरी फेज शुरू होता है, पल्मोनरी फेज जिसमें कि लंग्स इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, उस टाइम पे कुछ मेडिकेशंस हैं जैसे स्टीरॉयड्स हैं या और मेडिकेशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा सहायक होती हैं। तो वो अगर हम टाइमली इस चीज़ को पहचान लें, स्पेशली अगर हम 5th-6th डे में कुछ हमारे को कोविड के टेस्ट कराने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे CRP है, कंप्लीट ब्लड काउंट है, तो हम उस 6 डे के अपने ये टेस्ट करवाएं। और अगर हमारे साइन सिम्टम जैसे कि सांस दिक्कत आना, ज़्यादा खांसी होना और लगातार बुखार का बढ़ना, ये सिम्टम्स हैं, तो हमें इमीडिएटली अपने नियरेस्ट फिजिशियन को, अपने हॉस्पिटल को कंसल्ट करने की आवश्यकता होती है। तो हमें, मैं फिर ये सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, इसलिए जब भी किसी भी छोटे से छोटे सिम्टम को आप नज़रअंदाज ना करें, जल्द से जल्द टेस्ट कराएं, और अपने फर्स्ट डे जब आपका सिम्टम आता है उसके बारे में आपने डॉक्टर के साथ उसको ज़रूर बताएं।
देखिए मैं आपको बता दूं, ये थे मेरे साथ सिविल सर्जन डॉक्टर योगेश शर्मा, जिन्होंने सबसे पहले हमें फंगस के बारे में, ब्लैक फंगस के बारे में विस्तार से जानकारी दी। लेकिन अब उन्होंने कोरोना का लेकर ये कहा कि अधिकांश लोग पहले छह दिन तक सेल्फ मेडिकेशन में रहते हैं, वो घर पे इन चीजों को, जो साइन एंड सिम्टम्स को नजरअंदाज करते हैं, जबकि छठा दिन जो होता है वो उस दिन उनका, वो उस दिन उनको तकलीफ में डाल सकता है, क्योंकि उस दिन तक वो पल्मोनरी स्टेज में पहुंच जाते हैं और जहां तक होता है उनके लंग्स इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए इनका ये कहना है, इनके लोगों से अपील है कि वो किसी भी तरह से सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे अगर उनको कोई भी सिम्टम्स नजर आता तो उसको नजरअंदाज ना करके नजदीकी स्वास्थ्य विभाग में जाकर अपने जांच पड़ताल कर ले। मैं तरुण बदान, सीनियर कैमरा पर्सन संजय, सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।